पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेट रहा है। हम बात करें तापमान की तो चांदवाली में सबसे अधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भुवनेश्वर का 35.7 और कटक का 33.2 डिग्री सेल्सियस डे का हाईस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन ईस्टर्ली रेलवे प्रवेश कर रही है जो उड़ीसा। डे वन में बात करें तो झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुर, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में आज जो है हल्की से एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार 17 तारीख को कटक, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, गंजम, गजपति में एक दो स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 18 तारीख को कोस्टल उड़ीसा और कालाहांडी, रायगढ़, गजपति, सॉरी कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थान पर हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। 19 तारीख को हमारा साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में संभावना है। उसके बाद 20 तारीख को गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 21 तारीख को कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेट प्लेस में रेनफॉल होने की संभावना है। 22 तारीख को बालासोर, मयूरभंज और केवंझर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है एक दो स्थानों पर। उसके बाद डे थ्री में 18 तारीख को कोस्ट उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। एक दो स्थानों पर आइसोलेटेड प्लेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है। उसके बाद कोस्ट उड़ीसा प्लस रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी में 19 तारीख को TSRT के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। 20 तारीख को गंजम, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी डे थ्री में 20 तारीख को थंडरस्टॉर्म आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है अलॉन्ग विद लाइटनिंग, उसके लिए येलो अलर्ट दिया गया है।